बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम रही स्टूडेंट्स होप यू ऑल आर फाइन टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर वन क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म्स क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि uh, कोई भी एनिमल्स हैं ठीक है उनको आपने ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देना है ठीक है किसकी बेसिस पे सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेसिस पे ठीक है इसको क्या बोलते हैं क्लासिफिकेशन तो यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस करनी है लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की ठीक है जानदार जो हैं उनकी डिस्कस करनी है फ़र्स्ट है कैन यू क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स अराउंड यू क्या आपके जो इर्द गिर्द ऑर्गेनिज़म्स हैं उनको आप क्लासिफाई कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं उनको सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस पे सेकंड है आर द फ्लावरिंग प्लांट्स डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर क्या जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो एक दूसरे से मुख्तफ हैं वाई प्रोटेक्शन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इज नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द वर्ल्ड जो हमें ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो प्रोटेक्शन है ठीक है उनका तहफ़ है क्या वो दुनिया के लिए जो है इम्पोर्टेंट है ज़रूरत है या नहीं है उसकी आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स देर आर न्यूम्यस टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स फाउंड ऑन अवर अर्थ हमारे इस अर्थ पर, के ऊपर ज़मीन के ऊपर बहुत सारे ऑर्गेनिज़म्स प्रेजेंट हैं दीज ऑर्गेनिजम्स लुक डिफरेंट फ्राम वन एंड अदर सारे के सारे ऑर्गेनिजम एक दूसरे से मुख्तफ नज़र आते हैं सम हैव फ्यू सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स और कुछ के क्या हैं करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं सिमिलर हैं एक जैसे हैं नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी है ठीक है एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले हमें जो है हमें पता होना चाहिए कि वो कौन से ग्रुप में लाइक कर है राइट द नेम्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इन देअर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द हैविंग सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स आपने क्या करना है ये नीचे में नेम्स हुए हैं इनको आपने क्या करना है ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देना है ठीक है उनके सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे फर्स्ट हमारे पास ग्रुप वन है ग्रुप वन में देखिए रोज है ठीक है अब रोज़ क्या है फ्लावरिंग प्लांट है ठीक है इसके अंदर जितने भी फ्लावरिंग प्लान्ट हैं वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे मैंने ऊपर जो नंबर वन शो किया है वो ग्रुप वन में आएंगे अब ग्रुप वन में रोज़ है ठीक है सनफ्लावर है ठीक है गावा है मैंगो है ये सारे क्या आ जाएंगे ग्रुप वन में ग्रुप टू में फाउल ठीक है फ़ाउल हमें यहाँ पे बता रहा है कि ऐसे हमने इसके अंदर ऑर्गेनिज़म्स के नेम लिखने हैं जो कि क्या हैं बर्ड्स हैं ठीक है तो इसमें बर्ड्स ऊपर देखें कौन कौन से हैं इसमें फ़ाउल है पिजन है ठीक है स्पैरो है ठीक है और आ, हमारे पास डव है ये सारे के सारे क्या हैं बर्ड्स हैं तो ये कौन से आ जाएंगे ग्रुप टू में आ जाएंगे ग्रुप थ्री में देखें स्नेक स्नेक से हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि ऐसे हमने ऑर्गेनिजम्स के नेम लिखने हैं जो कि क्या कर सकते हैं क्रॉल करते हैं ठीक है जो रिंगते हैं तो उसमें हमारे पास आ जाता है क्रोकोडाइल ठीक है लिजेड और थर्ड पे आता है टोटोटाइस ये सारे क्या आ जाते हैं ग्रुप थ्री के अंदर नेक्स्ट हमारे पास है ग्रुप फोर ग्रुप फोर के अंदर गोट ठीक है अब गोट जो है यहाँ से पता चल रहा है कि गोट क्या है ऐसी ऑर्गेनिज्म uh, है जिसकी क्या है फोर लेग्स है ठीक है तो उसमें हमने देखना है कि ऊपर कौन कौन से हैं फोर में देखें उसमें कैट आ जाएगा टाइगर आ जाएगा और काउ एंड लास्ट वन गोट ठीक है तो ये सारे क्या आ जाएंगे ग्रुप फोर के अंदर वाई डिड यू पुट रोज एंड मैंगो इन अ वन ग्रूप वेयर्स द फाउल एंड द पिजन इन अनदर ग्रुप You place the organisms of similar characteristics in groups. For example, you made a group of the flowering plants with rose, mango, gava, and sunflower, and you made another group of the fowl, pigeon, dove, and sparrow. All of them have the similar characteristics in each group. अब आपने इसको रोज़ को मैंगो को गावा को एंड सनफ्लावर को ए ग्रुप में क्यों रखा और ग्रुप टू में फाउल पिजन डव इनको क्यों रखा इनको क्यों रखा क्योंकि इनके सारे जो हमने ग्रुप वन में रखे उन सारों के जो करैक्टरिस्टिक्स हैं खूसियात हैं वो सेम है और जो ग्रुप टू में हैं उनकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं सिमिलर हैं

टू पुट ऑर्गेनिज़म्स इन टू सेपरेट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलैरिटीज़ एंड द डिफ्रेंसिस इज़ कॉल्ड क्लासीफिकेसन जो हमने ग्रुप्स uh, के अंदर ऑर्गेनिज़म्स को क्लासीफाई कर दिया डिवाइड कर दिया किस किस बेसिस पे सिमिलैरिटीज उनके अंदर जो एक जैसी खसूसियात हैं और डिफरेंस जो कि मुख्तलिफ़ूसिया हैं उसकी बेस पे हमने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया है डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर तो इसको हम क्या बोलते हैं क्लासीफिकेशन नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन ठीक है क्लासिफिकेशन की क्या अहमियत है do you know just as a wall is built a बिल्ड ऑफ़ ब्रिक्स स्टर्क टूगैदर इन द सेम मैनर इज द बॉडी ऑफ द आर्गेनिज़म्स इज़ बिल्ड ऑफ सेल्स स्टर्क टूगेदर जैसा कि हम लोग ये डाइग्राम में देख पिक्चर में देख सकते हैं कि जैसे एक वॉल होती है दीवार होती है वो ब्रिक्स जो ईंटें हैं उनसे मिलकर बनती है ठीक है इसी तरह इंसान की ऑर्गेनिज़म्स की जो बॉडी होती है वो किससे मिलकर बनती है सेल्स की तरह ये सेल्स एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या बनाते हैं बॉडी बनाते हैं वी कैन डिटर्मन द सिमिलैरिटीज़ एंड द डिफ्रेंसिज़ अमंग द ऑर्गेनिज्म थ्रू क्लासीफिकेशन अब क्लासीफिकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है कि हमें क्लासीफिकेशन से पता चल जाता है दर्जाबंदी से पता चल जाता है कि उस ऑर्गेनिज़म्स की क्या सिमिलरिटीज़ हैं मतलब क्या उसके अंदर एक जैसी खसूसियात हैं और क्या मुख्तलिफूसियात हैं उस ऑर्गेनिज़म्स के अंदर वी कैन आइडेंटिफाई एंड स्टडी द ऑर्गेजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड अदर करेक्टरिस्टिक्स हम लोग क्या कर सकते हैं ऑर्गेनिज़म्स को स्टडी भी कर सकते हैं उसकी आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं उसके स्ट्रक्चर की बेस पे वो कैसे नज़र आता है और उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स के हैं क्या खसूसियात हैं वी कैन ऑल्सो नो द रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज़म्स और हम लोग ऑर्गेनिज़म्स के जो आपस में तलक है उसको भी यहाँ से पता कर सकते हैं फाइव किंगडम सिस्टम

ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ वन सेल्स ये जो ऑर्गेनिज्म हैं ये एक सेल्स के बने हुए होते हैं देअर स्ट्रक्चर इज़ वेरी ऑल्सो वेरी सिंपल और इसका स्ट्रक्चर क्या है बहुत ज़्यादा सिंपल है दीज इंक्लूड बैक्टीरिया सिंगुलर बैक्टीरियम बैक्टीरियम आर फाउंड एवरी ऑन द अर्थ सम बैक्टेरिया कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड मैनी बैक्टेरिया ऑबटेन फूड फ्रॉम वन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड डेड बॉडीज़ बैक्टीरिया जो है ये अर्थ के ऊपर हर जगह प्रेजेंट है और बैक्टीरियाज के क्या खसूसियत होती है कि ये अपनी खुराक ख़ुद तैयार करते हैं ठीक है थीके? और क्या करते हैं ये अपनी खुराक खुद भी तैयार कर सकते हैं और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से ले सकते हैं या डेड बॉडीज अगर किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई है तो वहाँ से भी ये अपनी फूड ले सकते हैं सम बैक्टीरिया कॉज डिजीज़ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स और कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं बीमारियाँ पैदा करते हैं पौधों के अंदर भी और जानवरों के अंदर भी सेकेंड वन इज प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा और ऑर्गेनिजम विच मोस्टली लिव इन वाटर प्रोटिस्टा ऐसे ऑर्गेनिज़म है जो कहाँ रहते हैं पानी के अंदर रहते हैं दिस किंगडम इंक्लूड इंक्लूड्स एमेबा पैरामीशियम एंड एल जी और इस किंगडम के अंदर क्या क्या आ जाते हैं एमेबा आ जाता है पैरामीशियम आ जाता है और एल जी आ जाती है अमेबा एंड पैरामीशियम आर मेड ऑफ वन सेल्स एमेबा और पैरामीशियम क्या है एक सेल से मिलकर बनी होती हैं एल जी आर ग्रीन रेड एंड ब्राउन एन कलर जबकि एल है उसका कलर कौन कौन से हैं रेड ग्रीन रेड एंड ब्राउन दे मे कॉन्सिस्ट ऑफ वन सेल आर मैनी सेल्स जबकि एल uh, है वो एक या एक से ज़्यादा सेल्स की मिलकर बनी होती है एल जी आर फाउंड इन रिवर्स पोन्ड्स एंड ओशियंस और एल जी कहाँ प्रेजेंट होती है रिवर्स के अंदर आती है पोन्ड्स के अंदर आ जाती है और ओशियंस समंदरों वगैरह में आ जाती है जैसे कि हम लोग डायग्राम में नीचे देख सकते हैं मेबा पैरामीशियम एंड स्पायरो स्पायरोगेरा जो है ये एल जी की है एक जो कह सकते हैं उसकी एग्जाम्पल है थर्ड वन इज़ फनजा सम फनजाए आर मेड ऑफ वन सेल्स मैनी फनजा आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल कुछ फनजाए जो है एक सेल्स की बनी हुई होती हैं और कुछ फनजाए जो होती हैं एक से ज़्यादा सेल्स से मिलकर बनते हैं सम सच फनजाए है फिलामेंट लाइक बॉडीज़ और इनकी बॉडी कैसी होती है फिलामेंट लाइक -like होती है फंजाई नीड मॉइस्चर फॉर ग्रोथ और फंजाई को मॉइस्ट की नमी की जरूरत होती है ग्रोथ करने के लिए दे आर नॉट ग्रीन इन कलर इनका जो रंग होता है वो सब्ज नहीं होता दे कैन नॉट प्रिपेयर देर ऑन फूड ये अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते दे एब्जॉर्व फूड फ्रॉम द प्लेस वेयर देर लिव और ये कहाँ से फूड को लेते हैं जहाँ पर वो रह रहे होते हैं यस्ट आर सिंगल सेल्ड माइक्रोस्कोपिक फंजाई यीस्ट ठीक है नीचे डायग्राम में देख सकते हैं ये क्या है सिंगल सेल्ड ठीक है माइक्रोस्कोपिक फंजाई इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक होता है बहुत स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म है ठीक है जो कि हमें आम आंख से नजर नहीं आ सकते राइजोपस इज आल्सो कॉल्ड ब्लैक ब्रेड मोल्ड राइजोपस को भी हम नीचे डायग्राम में देख सकते हैं इसको सेकंड नेम क्या देते हैं ब्लैक ब्रेड मोल्ड इट ग्रोज ऑन मॉइस ब्रेड एंड फ्रूट्स क्यों इसको ब्लैक ब्रेड मोल्ड का नेम देते हैं क्योंकि ये जो है ब्रेड और फ्रूट्स जो कि बहुत ज़्यादा जिनके ऊपर नमी हो जाती है ठीक है उसके ऊपर ये जो है ग्रो करती है फंजाई ठीक है राइज़ोपास को ब्लैक ब्रेड मोल्ड क्यों कहते हैं क्योंकि जो फ्रूट्स और ब्रेड होती हैं जब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मॉइस्ट हो जाती हैं तो उनके ऊपर ये ग्रो करती है फंजाई द मशरूम्स आर लार्ज फंजाई विच लुक्स लाइक अम्ब्रेला मशरूम्स ठीक है जिसको आप लोग खुम्बे बोलते हैं वो क्या है लार्ज फनजाए होती हैं और इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है फंजाई अम्ब्रेला लाइक होता है एज वी कैन सी इन द डायग्राम दे ग्रो ऑन द पाइल्स ऑफ द रूट मैटर ठीक है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रूट मैटर होता है ठीक है गले सड़ी जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर जो है ना ढेर लगे होते हैं उनके ऊपर ये जो है मशरूम्स ग्रो करती हैं सम फंजाई आर वेरी लार्ज कुछ बहुत ज़्यादा लार्ज होती हैं जैसे कि ब्रैकेट फनजाए वो भी हम लोग डायग्राम में नीचे देख सकते हैं डू यू नो सम मशरूम्स कैन बी ईटन बट सम मशरूम्स आर पॉइजनस कुछ मशरूम्स जो होते हैं वो हम लोग खाते हैं लेकिन कुछ ज्यादा बहुत ज़्यादा जहरीली होती हैं इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मोर देन हंड्रेड टाइप्स ऑफ द मशरूम्स हैव द एबिलिटी टू ग्लो लाइक फायर फ्लाई एट नाइट अब हंड्रेड्स से ज़्यादा मशरूम्स की ऐसी टाइप्स हैं जिनके अंदर ये खसूसियत होती है या ये उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो क्या करते हैं रात के वक्त उनके अंदर से रोशनी होती है ठीक है ग्लो करती हैं वो चमकती हैं ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड इन द नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ वन प्लान्टी किंगडम प्लान्टी द ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड इन द किंगडम प्लांटी आर मेड ऑफ मोर देन वन सेल्स और जो किंगडम प्लांटी के अंदर जो आते हैं ऑर्गेनिजम्स वो एक से ज़्यादा सेल्स के मिल के बने होते हैं दे आर यूजली ग्रीन इन कलर इनका रंग क्या होता है सब्ज होता है द प्लान्टव क्लोरोफिल विच गिवस दैम द लाइट ग्रीन कलर प्लांट्स के अंदर ग्रीन कलर क्यों होता है प्लांट्स का क्योंकि इनके अंदर एक क्लोरोफिल होता है क्लोरोफिल क्या होता है एक ग्री, एक पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि प्लांट्स को ग्रीन कलर देता है क्लोरोफिल इज अ सेल मटेरियल इट अलाउज ग्रीन प्लांट्स टू मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ द सन अब ये क्लोरोफिल क्या करता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है ठीक है और प्लांट्स को हेल्प करता है उसकी फूड में बनाने में इन द प्रेजेंस ऑफ सन नेक्स्ट हमारे पास लास्ट आता है एनीमेलिया अब एनीमेलिया का नेम से हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर सारे के सारे वो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे जो कि एनिमल्स होते हैं द ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड इन दिस किंगडम आर कॉल्ड एनीमे एनीमल्स द एनिमल्स आर मेड ऑफ ऑफ मैनी सेल्स एनिमल्स भी क्या होते हैं बहुत ज़्यादा सेल्स के मिलकर बने होते हैं दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल इन के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता सो दे कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड और इस वजह से ये अपनी खुराक हो त्यार नहीं कर सकते दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और ये क्या कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है क्लासिफिकेशन एंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स अब हमने फ्लावरिंग प्लांट्स के जो हैं उनकी क्लासिफिकेशन देखनी है और उसके अंदर क्या खसूसियात हैं वो हमने चेक करनी है फर्स्ट है मोनोकॉर्ड्स प्लांट्स अब मोनोकॉर्ड्स हमें नेम इंडिकेट कर रहा है मोनो का मतलब होता है वन ठीक है तो द फ्लावरिंग प्लांट्स हु सीड्स हैन कॉटिलेडन आर कॉल्ड मोनोकोड्स प्लांट्स ऐसे फ्लावरिंग प्लांट जिनके अंदर एक कॉटिलेडन होता है ठीक है उसको क्या आप बोलते हैं मोनोकोड प्लाट्स शुगर के व्हीट राइस बैम्बो मेज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोकोड प्लांट्स डाईकोड प्लांट्स अब डाई का मतलब है टू ठीक है द फ्लावरिंग प्लांट्स हु सीड्स हैव टू कॉटिलेडेंट्स आर कॉल्ड डाइकॉट प्लांट्स अब ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स जिनके अंदर दो, दो कॉर्टिलेडेंट्स प्रेजेंट होंगे उनको हम लोग क्या बोलते हैं डाइकॉट प्लांट्स हैं वो जैसे कि मैंगो गावा रोज पी एसेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डाइकॉट प्लांट्स नेक्स्ट वन क्लासीफिकेशन एंड द करेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल्स अब हमने यहाँ पे क्लासीफिकेशन और करेक्टरिस्टिक किसके चेक करने हैं एनिमल्स के चेक करने हैं वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन ग्रेड फोर दैट एनिमल्स हैव बी डिवाइडिंग द टू मेन ग्रोप्स द वर्टीब्रेड्स एंड इन वर्टिब्रेड्स जैसा कि हम लोग क्लास फोर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि एनिमल्स को दो ग्रोप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है वर्टीब्रेड्स एंड इनवर्टीब्रेड्स एट ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बैक बोन प्रेजेंट होती है उनको वर्टीब्रेड्स बोलते हैं और ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर बैक बो, बैक बोन प्रेजेंट नहीं होती वो क्या होते हैं इनवर्टीब्रेड्स ऑल वर्टिब्रेड्स है बैक बोन इन देअर बॉडी दे हैव एन इंटरनल स्केलेटन मेड ऑफ बोन्स अब वर्टीब्रेड्स के अंदर बैक बोन प्रेजेंट होती है और इनके अंदर इंटरनल स्केलेटन बनता है ठीक है जो कि किस चीज़ का बना हुआ है बोन्स का बना हुआ है हड्डियों का बना हुआ है देअर बॉडी इज डिवाइडेड इंटू द थ्री मेन पार्ट्स हैड एबडोमन एंड टेल अब जो इनकी बॉडी होती है वर्टिब्रेड्स की वो थ्री पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है फर्स्ट वन इज हेड सेकेंड इज एबडोमन एंड थर्ड वन इज टेल द ब्रेन इज प्रेजेंट विद इन द स्कल अब जो ब्रेन है वो कहां प्रेजेंट है स्कल के अंदर प्रेजेंट हैिटी टू हिस्टर सी स्मेल टेस्ट एंड फील और ब्रेन के अंदर क्या एबिलिटी होती है कि वो सुन सकता है देख सकता है सूंघ सकता है चख सकता है और महसूस कर सकता है द ब्लड सर्कुलेट्स इन द ब्लड वैसल्स ऑफ द बॉडी और ब्लड किसके अंदर सर्कुलेट कर रहा होता है ब्लड वेसल्स के अंदर द स्किन ऑफ द वर्टिब्रेड्स इज कवर्ड विद स्केल्स आर फीदर्स आर हेयर्स और जो वर्टिब्रेड्स की स्किन uh, होती है उसको स्केल्स ने फीदर्स ने या फिर हेयर्स ने कवर किया होता है। वेरियस टाइप्स ऑफ द इन वर्टिब्रेड्स आर फाउंड ऑन द अर्थ इसी तरह इन वर्टिब्रेड्स भी हमारी अर्थ के ऊपर बहुत सारे प्रेजेंट हैं द इन वर्टिब्रेड्स आर द एनिमल्स विथ नो बैकबोन इन वर्टिब्रेड्स ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती The body structure of invertebrates is of different types. Some are flat, some are round, and some are segmented. द बॉडी पार्ट्स ऑफ द इन वर्टिब्रेड्स आर इन डिफरेंट इन डिफरेंट ग्रोप्स अब बॉडी स्ट्रक्चर जो इन वर्टिब्रेड्स का है वो इस तरह डिफरेंट होता है कुछ का फ्लैट होता है ठीक है कुछ का राउंड होते हैं इन वर्टिब्रेड्स और कुछ का होते हैं सेगमेंटेड सेगमेंटेड होते हैं छोटे छोटे पार्टस के अंदर डिवाइड हुए हुए होते हैं क्लासीफिकेशन ऑफ वर्टीब्रेड्स द वर्टीब्रेड्स आर डिवाइडेड इंटू द फाइव ग्रोप्स फिश इम्फीबियंस रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड मैमल्स फिश वर्टी को भी हमने फाइव ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया है ठीक है फर्स्ट वन इज़ फिश फिश लिव इन वाटर बोथ एंड्स ऑफ देयर बॉडी आर पॉइंटेड फिश कहाँ रहती है पानी के अंदर रहती है इसकी दोनों साइड्स ठीक है उसकी फ्रंट uh, और बैक दोनों क्या होती हैं पॉइंटेड होती हैं ठीक है दिया मिडल पार्ट इज़ ब्रॉड एंड थिक और जिसका दरम्याना जो हिस्सा होता है वो क्या होता है ब्रॉड होता है और थिक होता है मोटा होता है दैट इज द बॉडी इज बोट शेप्ड बोट शेप मतलब uh, कश्ती की तरह इसकी uh, शक्ल होती है दिस बॉडी शेप इज मोस्ट सूटेबल टू स्विम और इस तरह की जो बॉडी शेप है वो उसको तैरने में क्या करती है हेल्प करती है दे हैव स्केल्स ऑन देअर स्किन और इसकी स्किन्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं स्केल्स प्रेजेंट होते हैं फिश ब्रीथ थ्रू स्केल्स गिल्स क्या करती है गिल्स के थ्रू ये सांस लेती है फिश हैव फिन्स एंड टेल्स विच हेल्प टू स्विम और फिश के ऊपर क्या होते हैं फिन्स भी प्रेजेंट होते हैं और उसकी टेल भी होती है जो उसको क्या करती है स्विम करने में हेल्प करती है रिप्रोडक्शन इन फिश टेक प्लेस थ्रू एग्स अब जो रिप्रोडक्शन होती है वो किसके थ्रू करती है एग्स के थ्रू उनके अंदर टेक प्लेस करती है देअर बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ़ देअर सराउंडिंग और इसका बॉडी टेम्परेचर जो है वो इर्द गिर्द के टेम्परेचर के ऊपर क्या कर रहा होता है डिपेंड कर रहा होता है नेक्स्ट है इम्फीबियंस एम्फीबियंस कैन लिव ऑन लैंड एंड ऑल्सो इन वाटर इम्फीबियंस जमीन के ऊपर भी रहती हैं और पानी के अंदर भी रहते हैं दे इसपायर थ्रू लंग्स एंड स्किन ये किसके थ्रू सांस लेते हैं ये लंग्स के थ्रू भी ले सकते हैं और स्किन के थ्रू भी सांस ले सकते हैं यूजली देयर स्किन इज मॉइस्ट एंड लूज और इनकी जो स्किन होती है वो क्या होती है मोइस्ड uh, होती है ठीक है नर्म होती है और लूज़ होती है ढीली होती है दे लिव ऑन लैंड बट लेग इन वाटर ये रहते ज़मीन के ऊपर हैं पर यह अंडे कहाँ देते हैं पानी के अंदर देयर डिवेलपमेंट टेक्स प्लेस इन वाटर और वहीं पर उनकी डिवेलपमेंट होती है पानी के अंदर देयर बॉडी टेम्परेचर्स डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग और इनका बॉडी टेम्परेचर भी डिपेंड कर रहा होता है इर्द गिर्द के टेम्परेचर के ऊपर फ्रॉग टोर्ड स्लमेंडर्स न्यूट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द इन्फीबियंस ये क्या है इसकी सारी मिसालें हैं जैसा कि हम लोग साथ जो पिक्चर बनी हुई है हम उनमें देख सकते हैं डू यू नो वाई इम्फीबियंस कुल नॉट फ्लोरिश इन द होल वर्ल्ड क्योंकि सारे इम्फीबियंस uh, जो है वो सारे uh, दुनिया के अंदर क्यों नहीं है वा दे आर नाट फाउंड इन डेजर्ट एंड स्नो बिकॉज दे कैन नाट डिप अवे फ्राम वाटर ये क्यों नहीं है ये डेजर्ट के अंदर प्रजेंट नहीं होते ठीक है और सराई इलाकों में भी और जहाँ पर बर्फ़ होती है स्नो होती है वहाँ पर भी नहीं होते क्यों क्योंकि ये पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते दे डिपेंड ऑन वाटर फॉर रिप्रोडक्शन एंड डिवेलपमेंट ये कहाँ डिपेंड करते हैं ये वाटर पर ही डिपेंड करते होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए भी और डिवेलपमेंट के लिए भी रेप्टल्स रेप्टाइाइल्स और कॉल्ड क्रीपिंग एनिमल्स क्रैप्टाइल्स को क्रीपिंग एनिमल्स क्यों कहते हैं क्रीपिंग का मतलब होता है रीगने वाले जानवर हैं ये देअर स्किन इज थिक कोर्स एंड ड्राई विच प्रोटेक्ट देअर बॉडी फ्रॉम एक्सटर्नल इफेक्ट्स इनकी बॉडी क्या होती है थिक होती है कोर्स होती है ठीक है मतलब खुरदरी होती है और क्या होती है ड्राई मतलब खुश्क होती है जो कि इन्हें क्या करती है एक्सटर्नल इफेक्ट से बचा कर रखती है दे रिप्रोड्यूस बाई लिंग्स एंक ऑन लैंडस ये कहाँ अंडे देते हैं ज़मीन के ऊपर देते हैं देयर बॉडी टेम्परेचर्स डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ़ देअर सराउंडिंग और इनका भी टेम्परेचर कहाँ पर डिपेंड कर रहा होता है इनके इर्द गिर्द के टेम्परेचर के ऊपर लेजेट क्रोकोडाइल स्नेक टोटेटाइज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द रेपटाइल्स ये सारी की सारी क्या आ जाती हैं इसकी मिसालें आ जाती हैं डू यू नो डायनासोर वर द लार्जेस्ट रेप्टल्स ऑफ द इंशियन टाइम बट दे हैव बिकम एक्सटेंड डायनासोर अपने पुराने वक्तों में सबसे बड़ा जो है रेप्टाइल था ठीक है लेकिन ये अब जो है एक्सटेंट हो चुका है मतलब कि ख़त्म हो चुका है कंपेयर टू द एम्फीबियंस द रेप्टाइल्स फ्लोरिश ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकॉज दे डू दे डू नॉट डिपेंड ऑन वाटर फॉर रिप्रोडक्शन लेकिन जो रेप्टाइल्स होते हैं ये सारी दुनिया के अंदर जो है ना ये प्रेजेंट है क्योंकि ये वाटर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे होते रिप्रोडक्शन के लिए जबकि एम्फीबियंस जो है वो डिपेंड करते हैं वाटर के ऊपर क्योंकि उन्होंने रिप्रोडक्शन भी करनी होती है और डेवलपमेंट भी

लंग्स के अलावा इनके अंदर एयर सैक्स होते हैं ठीक है बर्ड्स कैन फ्लाई इन एयर ये हवा में उड़ सकते हैं सम बर्ड्स कैन फ्लाई इन वाटर कुछ बर्ड जो हैं परिंदे जो हैं वो वाटर के अंदर भी स्विम कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल है बत्तख सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई एंड आर कॉल्ड रनिंग बर्ड्स कुछ बर्ड जो हैं वो कुछ उड़ नहीं सकते ठीक है जैसे उनको क्या बोलते हैं रनिंग बर्ड्स ठीक है आ, पैरों पे चलने वाले जो है परिंदे फॉर एग्ज़ाम्पल कीवी ऑस्ट्रेच ऑल बर्ड ले एग्स सारे के सारे परिंदे अंडे देते हैं द बर्ड्स दैट लिव इन वाटर हैव वेब्ड फीड फॉर एग्जाम्पल डक इनमें से ऐसे परिंदे जो कि वाटर के अंदर चलते हैं ठीक है जो रहते हैं उनकी वेब्ड फील्ड होती हैं ठीक है जैसे कि डक है डक की आप फीड दिखिएगा वो जो है वेब्ड होती है द बॉडी टेम्परेचर ऑफ़ द बर्ड्स डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अब जो बर्ड्स का टेम्परेचर होता है बॉडी टेम्परेचर वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता डव ऑस्ट्रेच, रूस्टर पिजन एंड पैरट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द बर्ड्स ये सारी की सारी क्या आ जाती हैं इसके अंदर एग्जाम्पल्स आ सकती हैं बर्ड्स के अंदर और सारी के सारे जो हैं इनकी पिक्चर्स नीचे मैंशन की हुई हैं नेक्स्ट है डू यू नो ईगल इज अज बर्ड ऑफ पे विच लिव्स ऑन हाई ट्रीज आर रॉक्स अब ईगल देखें ईगल क्या है सबसे बड़ा ऐसा परिंदा है ठीक है जो शिकार करता है ठीक है और ये कहाँ पर हाई बहुत ऊंची दरख्तों पर और रॉक्स पे होते हैं ह्यूमिंग बर्ड इज़ द स्मॉलेस्ट बर्ड अब ह्यूमिंग बर्ड है ठीक है वो नीचे डाइग्राम में नजर आ सकते हैं पिक्चर में देख सकते हैं सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड है हॉक इज़ अ हंटर बर्ड अब हॉक जो है वो क्या है हंटर बर्ड है ठीक है पैनग्वाइन इज़ अ बर्ड दैट लिवज ऑन स्नो इन द साउथ पोल अब पैनग्वाइन क्या है कि वो ऐसा बर्ड uh, है जो कि कहाँ रहता है स्नो uh, वाले एरिया में रहता है वुड पैकरज लिव इन द होल्स दैट मेक इन द ट्री टंग अब वुड पैकर वुड पैकर क्या करता है ये uh, जो दरख्त होते हैं उनके अंदर uh, सुराख करके उसके अंदर रहता है ये फॉर योर इन्फॉर्मेशन बर्ड्स हैव इवाल्व फ्राम द जनरेशन ऑफ कानी वो डाइनासोर्स अब बर्ड जो हैं वो क्या कहते हैं कि कानी व डाइनासोर्स के वहाँ से निकले हैं वो हाउ आर द बर्ड्स डिफर फ्राम द रेपाइल्स बर्ड्स किस तरह रेप्ट से मुख्तफ हैं द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द बर्ड डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट सो दे रिमेन एक्टिव राउंड द ईयर जो बॉडी टेम्परेचर होता है बर्ड्स का वो उसके ऊपर जो इर्द गिर्द का टेम्परेचर होता है उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता ठीक है इसी वजह से ये एक्टिव होते हैं होल द ईयर मतलब पूरे साल दे शो पेरेंटल केयर ये इनके अंदर पेरेंटल केयर होते हैं मतलब अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं दे मेक नेस्ट टू लिव ये ये क्या करते हैं घोंसला बनाते हैं रहने के लिए दे माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर और ये क्या करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन अ बर्ड पार्क इज़ कॉल्ड एवेरी देयर इज़ अ बर्ड पार्क इन इस्लामाबाद एट लेक व्यू पार्क एडजस्ट टू द रावल लेक अब बर्ड पार्क है उसको अवेरी बोलते हैं ठीक है इस्लामाबाद लेक व्यू के अंदर ठीक है बहुत बड़ा बर्ड पार्क है दिस इज़ अ थर्ड इन द वर्ल्ड एंड द लार्जेस्ट बर्ड पार्क ऑफ पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर ये थर्ड लार्जेस्ट पार्क है पाकिस्तान के अंदर दे और आदर टू एटी टाइप्स ऑफ द बर्ड्स हेयर हुज नंबर इज़ मोर देन फोर थाउजेंड अब यहाँ पे टू एटी टाइप्स के बर्ड्स जो है इस uh, पार्क के अंदर प्रेजेंट है जिनके फोर थाउजेंड से भी ज़्यादा उनके नंबर हैं मैमल्स दीज एनिमल्स गिव मिल्क ये ऐसे एनिमल्स हैं जो कि क्या? क्या? क्या देते हैं दूध देते हैं दे हैव फर और हेयर ऑन देयर बॉडी इनके ऊपर क्या होती है फर होती है या फिर बाल होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर मैमल्स गिव बर्थ टू देयर यंग वान्स एंड फीड दैम ऑन मिल्क मैमल्स क्या करते हैं अपने बच्चों ये बच्चे देते हैं ठीक है जो हम पीछे डिस्कस करते आ रहे हैं उसमें वो क्या था कि वो एग्स ले करते थे लेकिन ये क्या करते हैं बच्चे देते हैं और उनको फीड करवाते हैं मिल के द बॉडी टेम्परेचर ऑफ़ द मैमल डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ़ द एसटर्नल इन्वायरमेंट जो बॉडी टेम्परेचर होता है मैमल्स का वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता हॉर्स काओ गोट लाइन कैट एंड द ह्यूमर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द मैमल्स हम भी इसके अंदर मैमल्स के अंदर प्रेजेंट हैं ठीक है हॉर्स भी घोड़ा भी गाय भी लाइन भी कैट भी ये सारे के सारे क्या है मैमल्स हैं इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन पोलर बियर्स पोलर बियर्स लिव इन द स्नोवी रीजन्स ऑफ द नॉर्थ पोल इट इट्स बॉडी हैज़ अ थिक कवरिंग ऑफ द फर पोलर बियर क्या है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है नॉर्थ पोल के अंदर स्नोवी रीजन्स ठीक है जहाँ पर स्नो गिरती है वहाँ पर और इसकी बॉडी क्या होती है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा थिक कवरिंग होती है फर की एलिफेंट्स लिव इन द हॉट क्लाइमेट एलिफेंट कहाँ रहता है बहुत गर्म इलाकों में रहता है सो इट्स बॉडी इज़ नॉट कवर्ड ब थिक लेयर ऑफ द हेयर आर द फर और इस वजह से इसकी बॉडी जो है वो थिक लेयर और फर से कवर नहीं होती बैट इज़ अ फ्लाइंग मैमल बैट क्या है ऐसा मैमल uh, है जो कि क्या करता है फ्लाई कर सकते हैं उड़ सकता है प्लेटिपस इज़ अ मैमल द एनिमल ए एग्स एंड फीड मिल्क टू द यंग वन प्लेटिपस भी क्या है एक मैमल uh, है ठीक है और फीमेल जो क्या करती है एग्स को ले करती है और मेल्क को यंग uh, वन को क्या करती है मिल्क से फीड करवाती है कैंगरू कैंगू कीप्स इट्स न्यू बॉर्न बेबीज़ इन एक्सटर्नल पाउच ऑन द वैली अब कैंगू में क्या होता है कि वो अपने जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको कहाँ रखती है उसकी बैली के अंदर उसके पेट के सामने एक एक्सटर्नल पाउच बना हुआ होता है उसके अंदर वो अपने क्या करते हैं न्यू बॉर्न बेबी को रखती है इंटरेस्टिंग इंफॉमेसन अमंग द वर्टी ब्रेड्स इन द वर्ल्ड बर्ड्स एंड द मैमल्स आर द लार्जेस्ट क्रोप वॉट इज़ द रीज़न सारे वर्टी ब्रेड्स के अगर हम लोग दुनिया में देखें बर्ड्स और मैमल्स बहुत लार्जेस्ट ग्रुप है ऐसा क्यों है आपने वजह बतानी है द रीज़न इज़ दैट बोथ शो पेरेंटल केयर दोनों के अंदर क्या होती है पेरेंटल केयर होती है मतलब कि अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाली होती है सच एज यू मस्ट हैव सीन हाउ हैंन एंड कैट्स टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस हम लोग देख सकते हैं कि जो मुर्गियाँ होती हैं और जो बिल्डियाँ होती हैं वो अपने बच्चों का किस तरह ख्याल रखती हैं नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स जिस तरह क्लासिफिकेशन थी वर्टिब्रेट्स की इसी तरह क्लासिफिकेशन है इनवर्टिब्रेट्स की द मेजर ग्रुप ऑफ द इनवर्टीब्रेड्स आर स्पोंजेस वॉम्स इंसेक्ट्स मुलेस्कस एंड एक्काइनोडम्स स्पॉन्जेस स्पोंजेस आर द इक्वेटिक एनिमल्स एंड द मोस्ट ऑफ दैम लिव इन ओशियन स्पॉन्जेस के हैं इक्वेटिक एनिमल्स ऐसे एनिमल्स हैं जो कहाँ रहते हैं पानी के अंदर रहते हैं और कुछ जो तो हैं ओशियंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं ज़्यादातर दे आर ऑफ वेरियस कलर इनके बहुत सारे कलर्स में ये प्रेजेंट हैं दे यूजली रिमेन अटैच टू द सोन स्टोन एसेट्रा ये हमेशा क्या, क्या करते हैं किसी ना किसी चीज़ के साथ अटैच हुए होते हैं ज़्यादातर ये पत्थरों के साथ अटैच होते हैं द बॉडी इज़ फुल ऑफ पोर्स एक्सटर्नली एंड कैनाल एंड कैनाल इंटरनली इनकी बॉडी क्या है इनके अंदर जो है इंटरनली भी और एक्सटर्नली इनकी बॉडी के अंदर क्या होते हैं छोटे छोटे पोर्स होते हैं ठीक है होल्स होते हैं सुराख होते हैं वाटर इंट्रस थ्रू द पोर्स एंड एग्जिट्स थ्रू अ लार्ज पोर अब वाटर क्या करता है इन पोर्स के थ्रू इनके अंदर जाता है ठीक है और लार्ज पोर के थ्रू वहाँ से निकल आता है इफ़ एनी बॉडी पार्ट ब्रेक स्पॉन्जेस कैन फॉर्म इट अगेन अगर किसी भी स्पॉन्जेस का अगर एक पार्ट टूट जाता है तो स्पॉन्जेस उसको दोबारा रिकवर कर लेते हैं वाम्स वाम्स आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स वाम्स क्या हैं सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हैं ठीक है, है बहुत नरम वाली आ, इनकी बॉडी होती है बहुत नरम होती है देयर बॉडी इज़ राउंड एंड सिलेंड्रिकल इनकी बॉडी क्या होती है एक तो राउंड होती है ठीक है और सिलेंड्रिकल होती है दे हैव नो लेग्स इनके अंदर कोई टांगें प्रेजेंट नहीं होती द बॉडी ऑफ सम वम्ब्स आर सेगमेंटेड जो कुछ बॉडी होती है वॉम्स की वो सेगमेंटेड होती है मतलब छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट डिवाइड हुई हुई होती है फॉर एक्जाम्पल अर्थ वाम अर्थ वाम हम डाइग्राम में देख सकते हैं द बॉडी ऑफ सम वॉर्म्स आर नॉट सेगमेंटेड कुछ जो सम वम्स की बॉडी होती है वो सेगमेंटेड नहीं होती ठीक है जैसे कि फ्लैट वाम्स एंड राउंड वाम्स थर्ड हमारे पास आते हैं इंसेक्ट्स द इंसेक्ट्स आर द इनवर्टिब्रेट्स विद जॉइंटेड लेग्स इनवर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेड्स इंसेक्ट्स भी ठीक है और इनकी लेग्स प्रेजेंट होती हैं ठीक है देयर बॉडी इज सेगमेंटेड जबकि इनकी बॉडी क्या होती है सेगमेंटेड होती है द बॉडी इज डिवाइडेड इन द थ्री पार्ट्स हैड थॉरिक्स एंड एबडामन इनकी भी बॉडी क्या होती है थ्री पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गई होती है फर्स्ट वन इज थर्ड सेकेंड थॉरिक्स एंड थर्ड वन एबडोमन द नंबर ऑफ द लेग्स इज सिक्स आर थ्री पेयर्स अब जो लेग्स होती हैं वो थ्री भी हो सकती हैं सिक्स भी हो सकती हैं थ्री पेयर्स थ्री पेयर्स का मतलब है कि दो दो करके ठीक है दो दो और दो ये थ्री पेयर्स बन गए हैं और कि टोटल अगर देखें लेग्स तो कितनी हो जाती हैं सिक्स द एक्सटर्नल सर्फेस ऑफ द बॉडी इज हार्ड विच इज़ कॉल्ड एग्जोस्केलेटन जो इन इंसेक्ट्स की जो आउटसाइड uh, बॉडी होती है ठीक है जो बाहर से देखे वो बॉडी बहुत ज़्यादा क्या होती है uh, ज़्यादा हार्ड होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एग्जोस्केलेटन एग्जोस्केलेटन प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट द बॉडी एग्जोस्केलेटन क्या करती है प्रोटेक्ट करती है और बॉडी को सपोर्ट करती है उनकी मूवमेंट के लिए डू यू नो स्टिक इंसेक्ट्स लुक लाइक अ स्टिक्स एंड इज ग्रीन और ब्राउन इन कलर आप स्टिक इन शेड्स ऐसे लगते हैं जैसे की स्टिक होती है ठीक है और इनका कलर भी ग्रीन कलर का या ब्राउन कलर का होता है इट इज ऑल्सो नॉन एज वॉकिंग स्टिक ठीक है लाइफ लीवस इंसेक्ट्स लुक लाइक अ लीव अब लीव इंसेक्ट्स सेक्ट्स क्यों क्यों उनको लीव की तरह नाम दिया गया है क्योंकि उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है लीव की तरफ होता है मोस्ट बोथ ऑफ दीज हाइड इन द इन्वायरमेंट टू रिमेन हिडन फ्रॉम द एनिमी और ये क्या कहते हैं ऐसे इन्वायरमेंट रहते हैं जो कि उनके दुश्मनों से क्या करते हैं दोनों को बचाते हैं मुलस्कस देर द सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स दे लिव इन पोन्ट्स लेक्स रिवर ओशंस एंड ऑन लैंड दे मूव फ्रीली आर रिमेन अटैच टू एनी थिंग्स ये भी सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हैं ये कहाँ रहते हैं पोन्स के अंदर लेक्स के अंदर रिवर ओशंस के अंदर और ज़मीन के ऊपर भी रहते हैं ये इजिली मूव कर सकते हैं या फिर ये किसी चीज़ के साथ अटैच करके ये मूव करते हैं वो बॉडी ऑफ समस्कस इज़ कवर्ड विद अल जो मुलस्कस की बॉडी होती है उसको किससे कवर किया हुआ था शेल ने कवर किया हुआ होता है फॉर एग्जाम्पल स्नेल ठीक है ऑस्टर जबकि कुछ होते हैं उनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती उनके अंदर कोई शेल नहीं होती जिसको हम लोग जैसा कि दे सकते हैं ऑक्टोपस नेक्स्ट हमारे पास फॉर योर इंफॉर्मेशन व्हेन अ ग्रेन ऑफ द सॉल्ट अ सैंड इंटर द बॉडी ऑफ द ओस्टर इट फॉर्म्स अ पर्ल इंटरेस्टिंग है इंफॉर्मेशन कि क्या करते हैं जब भी कोई ग्रेन होता है ना ठीक है कोई भी एक सॉल्ट का ठीक है या सैंड का ठीक है रेत uh, का तो वो जब ऑस्टर के अंदर मतलब की बॉडी के अंदर जाता है तो वो क्या बना देती है पल बना देती है मोती बना देती है अराउंड द ग्रेन उस ग्रेन के अराउंड क्या कर देती है uh, एक मोती बना देती है इट टेक्स ईयर टू फॉर्म अ पर्ल एक पल को बनने के लिए बहुत सारे साल लगते हैं फिफ्थ वन इज अकाइनोडम्स दीज एनिमल्स आर फाउंड ओनली इन द ओशियन ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं सिर्फ समंदरों के अंदर प्रेजेंट होते हैं दे डू नॉट हैव एनी हेड इनका कोई सर नहीं होता द एनिमल्स में बी डिस्क स्टार शेप और अ लॉन्ग वन इनकी शेप्स जो तो है वो डिफरेंट होती हैं कुछ की स्टार शेप होगी तो उसको स्टार जैसे कि स्टार फिश है तो डिस्क शेप के होंगे ठीक है और कुछ जो हैं बिल्कुल लॉन्ग होंगे ठीक है द बॉडी हैव स्पाइनी कवरिंग और इनके ऊपर स्पाइनी कवर्स होते हैं मतलब स्पाइनस बने हुए होते हैं ठीक है नेक्स्ट हमारे पास बायोडाइवर्सिटी As we have read in the previous class, the number of the kind of the living things present at a particular place is called biodiversity. एक खास जगह पे बहुत सारे living organisms की kind का present होने को हमलोग क्या कहते हैं biodiversity. The type of the plants and animals no longer found in this world are called extinct. ऐसी plants और animals की types जो कि अब इस दुनिया में present नहीं है, ठीक है जो कि खत्म हो चुके हैं इस दुनिया से उनको क्या पोते हैं extinct. जिसको फॉर एग्ज़ाम्पल डायनासोर, मैनी ऑर्गेनिजम्स दैट आर वेरी लाइकली टू बिकम एक्सटेंड इन न्यूर फ्यूचर आर कॉल्ड इन डेंजर ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका हमें ख़दशा है कि वो आने वाले सालों में ख़त्म हो जाएंगे उनको हम लोग क्या बोलते हैं इन डेंजर ऑर्गेनिजम्स फ़ॉर एग्ज़ाम्पल बंगाल टाइगर पांडा एसेट्रा देयर आर मैनी इन डेंजर एनिमल्स इन पाकिस्तान एनिमल्स जो हैं पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे इनडेंजर एनिमल्स प्रेजेंट हैं फॉर एग्ज़ाम्पल स्नो लियो ग्रीन टर्टल हॉक इंडस डॉल्फिन मारखोर ठीक है ये क्या है इनका खदशा है कि ये आने वाले सालों में ये ख़त्म हो सकते हैं ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन बायोडिवर्सिटी अब ह्यूमन जो इंसान है वो किस तरह सरानंदाज़ हो रहे हैं बायोडावर्सिटी के ऊपर द फोरेस्ट आर बींग कट फ्रॉम द कल्टिवेशन एंड अर्बनाइजेशन अब जो जंगलात हैं उनको आ, वहाँ पे जो है कर, ख़त्म करें काट रहे हैं ठीक है वहाँ पे आ, घर वगैरह बनाने के लिए द कटिंग ऑफ द फोरेस्ट है डिस्ट्रॉय दैबिटेट्स ऑफ द एनिमल्स और इस तरह जब हम फॉरेस्ट की कटिंग करते हैं ठीक है जब जंगलात काट देते हैं तो वो क्या करते हैं एनिमल्स के जो रहने की जगह होती है उसको भी ख़त्म कर देते हैं इन एडिशन टू दीज ह्यूमन्स एक्ट ऑफ एक्सेसिंग हंटिंग हैज़ मेड एनिमल्स इन डेंजर और इस तरह से फिर जो है आसानी से आ, क्या होता है शिकार हो जाता है और जब आसानी से शिकार होना जब ज़्यादा शिकार होना स्टार्ट हो जाता है तो हमें उस जानवर का खदशा स्टार्ट हो जाता है कि ये आने वाले सालों में ये ख़त्म हो जाएगा डू यू नो पाइन ट्रीज़ इन बनार जेनीपर इन जरात एंड मैनग्रूव एट द सी इन सिंध आर डिस अपीयरिंग एट अ फास्ट रेट इंडस डोल्फिन इज़ ब्लाइंड बट इट कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द लाइट एंड द डार्क इंडस डॉल्फिन जो है वो क्या होती है ब्लाइंड होती है उसको कुछ नजर नहीं आता लेकिन जो लाइट और डार्क है वे डिफरेंस कर सकती है ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम एट इंडस रिवर द नंबर ऑफ़ द डॉल्फिन ड्लाइन अब डैम इंडस रिवर में क्या हुआ है कि वहाँ पे डैम बनना स्टार्ट हो गए तो इस वजह से इंडस डॉल्फिन की जो है तादाद है वो कम होना स्टार्ट हो गई थी नो दे आर फॉन बिटवीन द जिना एंड कोथरी बरेज बरेजेज ऑनली कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी अब बायोडावर्सिटी को हम कैसे बचा सकते हैं फॉर द कंजर्वेशन ऑफ़ द बायोडिवर्सिटी द ट्रेड ऑफ द इन डेंजर एनिमल्स रेगुलाइज्ड

अ गेम रिज़र्व ऑल्सो नॉन एज अ गेम पार्क इज़ अ लार्ज एरिया ऑफ द लैंड वेयर वाइल्ड एनिमल्स लिव सेफली गेम रिज़र्व क्या है जिसको हम लोग गेम पार्क भी कहते हैं कैसा एरिया है लैंड के ऊपर जहाँ पर पे जो जंगली जानवर हैं वो पे सेफली महफूजली मेफ, जो है वहाँ पर क्या कह सकते हैं वहाँ पर रह सकते हैं इन सम गेम रिज़र्वस एनिमल्स आर हेंटेड इन अ कंट्रोल वे लेकिन कुछ गेम रिज़र्वस के अंदर गेम पार्क के अंदर भी क्या हो रही है एनीमल्स के कुछ ना कुछ शिकार हो रहा है फॉर योर इंफॉर्मेशन मैन ग्रोव्स आर द स्मॉल ट्रीज़ दैट ग्रो इन कोस्टल एरियाज़ मैन ग्रोव्स क्या है? ऐसे small trees हैं ऐसे स्मॉल ट्रीज़ हैं जहाँ पे आ, जो है कोस्टल एरियाज़ में रह रहे होते हैं दे प्रोटेक्ट शोर लाइन्स फ्राम द डैमेज ये शोर लाइन्स मतलब वो होती हैं लाइन्स होती हैं जहाँ पे कोई भी पानी है उसके इर्द गिर्द लाइन होती है उसको शोर लाइन्स बोलते हैं दे एक्ट एज अ नर्सरीज़ फॉर द मैराइन एनिमल्स सच एज अ फिशिज क्रैब एंड प्रॉन्स एक्सेट्रा ये क्या करते हैं नर्सरी के तौर पर एक्ट करते हैं मैरीन मैराइन एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि पानी के अंदर प्रेजेंट होते हैं द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आन फॉरन एक्सचेंज फ्राम द एक्सपोर्ट ऑफ दिज एनिमल्स मैन ग्रोव्स रिड्यूस द स्मोक एंड पोलूशन ऑफ द सिटी ये इसका देखें एडवान्टज मैन ग्रोव्स का कि क्या करता है स्मोक रिड्यूज़ करता है धुएं को इस सिटी के अंदर से और पोलूशन को ख़त्म करता है कंजर्वेशन ऑफ़ द मैन ग्रूवस इज़ वेरी नेसेसरी तो हम लोग हमें क्या चाहिए कि मैन ग्रूव्स को कंजर्व करें नेक्स्ट हमारे पास आते हैं points, की पॉइंट्स ड्यू टू द क्लासीफिकेशन ऑर्गेनिजम्स कैन बी आइडेंटिफाइड एंड देयर रिलेशनशिप्स कैन बी नोन हम क्लासीफिकेशन की बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और उसके रिलेशनशिप्स को पता भी कर सकते हैं डिवाइडिंग क्लासीफिकेशन इंटू द ग्रोव्स ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलैरिटीज एंड द डिफ्रेंसिस इज कॉल्ड क्लासीफिकेशन हम जो ग्रुप को डिवाइड कर देते हैं उनकी सिमिलैरिटीज़ uh, की बेस पे और उनके डिफरेंसेस की बेस पे उसको हम क्या बोलते हैं क्लासिफिकेशन द लार्ज ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड किंगडम्स जो लार्ज ग्रुप होता है ऑर्गेनिजम्स का उसको हम क्या बोलते हैं किंगडम द फाइव किंगडम्स आर द मोनेरा प्रोटिस्टा फनजाई प्लांटी एंड एनिमिलिया बैक्टीरिया आर एग्ज़ाम्पल्स ऑफ मोनेरा यीस्ट राइजोपास मशरूम्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फनजाई all the plants are included in the kingdom plantae and all the animals in the kingdom animalia the, uh, the flowering plants are divided into the two groups as monocot and dicot plants bamboo sugar cane maize wheat rice etc are the examples of the monocot and mango gava pumpkin rose are the examples of dicot plants द मोनोकोट एंड द डाईकोट प्लान डिफर इन सीड लीवस एंड फ्लावर्स ये इंपॉर्टेंट है कि मोनोकोड्स और डाइकोर्स किस वजह से एक दूसरे से मुख्तफ हैं क्योंकि दोनों के अंदर सीड्स लीवस और फ्लावर्स क्या होते हैं मुख्तफ होते हैं एनिमल्स आर डिवाइड इंटू द टू ग्रोप्स द वर्टी ब्रेड्स एंड इनवर्टी ब्रेड्स अब जो 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 एनिमल्स हैं उनको दो ग्रोप्स के अंदर डिवाइड किया गया वर्टी ब्रेड्स और इनवर्टी ब्रेड्स के अंदर द फाइव मेजर ग्रोप्स ऑफ दर्टी इन वर्टी ब्रेड्स आर स्पॉन्जेस, वाम्स इनसेक्ट मुल एंड एकाइनोडम्स अब इसके अंदर इन वर्टीब्रेड्स के अंदर और वर्टीब्रेड्स में देखें तो वर्टी में जैसे हम फिश एम्फीबियन रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स को डिस्कस करते हैं और इन वर्टीब्रेड्स के अंदर स्पॉन्जेस, वाम्स इंसेक्ट मुल्कस एंड एक्नोडम्स द डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन अ पार्टिकुलर एरिया इज़ कॉल्ड बायोडिवर्सटी अब जो 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 बहुत सारे मुख्त ऑर्गेनिजम्स एक ही जगह पे प्रेजेंट होंगे तो उसको क्या बोलेंगे खास एरिया में होंगे उसको क्या बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडिवर्सिटी इज नेसरी बिकॉज मैनी ऑर्गेजम्स आर नो इन डेंजर बाय कंजर्विंग बायडिवर्सिटी दर्गेनिज्स कैन भी सेव फ्राम द एक्सटेंशन अब बायोडिवर्सिटी क्यों ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक जो है खदच है कि वो ख़त्म हो जाएंगे और बायोडिवर्सिटी को कंजर्व करने से ऑर्गेनिजम्स ख़त्म होने से बचा सकते हैं कल्टिवेशन अर्बनाइजेशन एंड डिफोरेस्ट्रेशन हैव डिस्ट्रॉय द हैबिटेट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स अब कल्टीवेशन अर्बनाइजेशन एंड डिफॉरेस्ट्रेशन कल्टीवेशन होती है बहुत ज़्यादा कटिंग डाउन ठीक है वहाँ पर बहुत ज़्यादा अपने आ, चीज़ों के लिए वहाँ पर उसको बार बार कल्टिवेट करना उस लैंड को और अर्बनाइजेशन वहाँ पे घर वगैरह बनाना और डिफोरेस्टेशन कटिंग डाउन जो है ट्रीज़ की इस वजह से ऑर्गेनिजम्स का हैबिटेट क्या है, हो रहा है डिस्ट्रॉय हो रहा है नेक्स्ट हमारे पास आती है एक्सरसाइज एक्सरसाइज में है फर्स्ट क्वेश्चन नंबर वन टिक द करेक्ट ऑप्शन नंबर वन विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज द फुट ऑफ एक्वेटिक बर्ड हमने बताना है कि एक्वेटिक बर्ड का कौन सा फुट है ठीक है नंबर वन ऑप्शन इज़ द बेस्ट ऑप्शन देखिए बाकी सेम है ठीक है तो ये क्या है uh, ये किसका है वेब्ड फुट है ठीक है वेब्ड फुट हमने पढ़ा था कि वो क्या होता है uh, इसके अंदर वाटर के अंदर इजीली जो है स्विम uh, कर सकते हैं सेकेंड है टू विच ग्रुप्स डज द कैट बिलोंग्स अब किस कैट कौन से ग्रुप uh, से बिलोंग करती है तो बेस्ट ऑप्शन डी मैमल्स के अंदर ठीक है क्योंकि ये पेरेंटल केयर भी करती है विच ऑर्गन डज अ फिश यूज़ टू रिस्पायर कौन से ऑर्गन को यूज़ करते हुए फिश जो है वो रिस्पायर करती है सांस लेती है ब्रीथ करती है तो बेस्ट ऑप्शन ए गिल्स के थ्रू वॉट इज़ द नंबर ऑफ द कॉटीरेडेंट्स इन ग्राम सीड ठीक है चने के बीज के अंदर कितने कॉटिरेडेंट्स होते हैं तो बेस्ट ऑप्शन बी टू विच ग्रुप्स इज फाउंड ओनली इन द ओशियन ऐसा कौन सा ग्रुप है जो कि सिर्फ ओशियन के अंदर प्रेजेंट होता है तो वो होते हैं अकाइनोडम्स सी ऑप्शन नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर टू है राइट शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन नंबर वन डिफ़ाइन बायोडाइवर्सिटी बायोडिवर्सिटी को डिफ़ाइन करना है द डिफरेंट काइंड ऑफ द ऑर्गेनिज्म फाउंड इन अ पार्टिकुलर एरिया इज़ कॉल्ड बायोडिवर्सिटी मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज़म्स एक ख़ास एरिया में प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बायोडिवर्सटी क्वेश्चन नंबर टू स्टेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन हमने अहमियत बतानी कि क्लासिफिकेशन की क्या अहमियत है ड्यू टू द क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज़म्स कैन बी आइडेंटिफाई एंड देयर रिलेशनशिप्स कैन बी नो नॉन हमें क्लासिफिकेशन की बेस पे हमें ऑर्गेनिज़म्स के बारे में पता चलता है और उसके दूसरे ऑर्गेनिज़म्स के साथ क्या रिलेशनशिप है वो भी हमें पता चलता है

अब वाम्स में देखते हैं दे तो फर्स्ट है दे हैव नो लेग्स अब वाम्स के अंदर लेग्स प्रेजेंट नहीं होती जबकि इंसेक्ट्स के अंदर दे हैव लेग्स इनके अंदर लेग्स प्रेजेंट होती हैं सेकंड है द बॉडी ऑफ सम वम्स आर सेगमेंटेड जो कुछ बॉडी होती है वाम्स की वो सेगमेंटेड होती हैं और कुछ नहीं होती ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल अर्थ वाम राउंड वाम्स और फ्लैट वाम्स आ जाते हैं जबकि इंसेक्ट्स के अंदर जो बॉडी होती है वो क्या होती है सेगमेंटेड होती है सारे के सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुई भी होती है जैसे कि वैब्स काक्रोच एसेट्रा सेकेंड हमने डिफरेंस बताना है इम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के अंदर ठीक है इम्फीबियंस का देखते हैं दे कैन ब्रीथ थ्रू गिल्स एज वेल एज लंग्स एम्फीबियंस क्या करते हैं लंग्स और गिल्स के थ्रू दोनों के थ्रू क्या करते हैं सांस ले सकते हैं इन्फ़ीबियंस में क्या होता है कि वो किसके थ्रू सांस लेते हैं स्किन के थ्रू या फिर लंग्स के थ्रू क्या करते हैं सांस लेते हैं रेप्टाइल्स में देखें दे ब्रीथ थ्रू गिल्स जबकि जो रेप्टाइल्स होते हैं वो सिर्फ की सिर्फ लंग्स के थ्रू सांस ले सकते हैं सेकंड है दे कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर जबकि क्या करते हैं इन्फीबियंस जमीन के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं और वाटर के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं ठीक है तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फ्रॉग और टोट ठीक है ये क्या करते हैं ज़मीन के ऊपर भी रह सकते हैं और पानी के अंदर भी रेप्टाइल्स दे यूजली लिव ऑन लैंड जबकि रेप्टाइल्स क्या करते हैं सिर्फ ज़मीन के ऊपर रहते हैं फॉर एग्जाम्पल स्नैक ठीक है लिजेड एसेट्रा फोर्थ वन हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ सिमिलैरिटी बिटवीन द फनजाई एंड एनिमल्स एनिमल्स और फनजाई के दरम्यान में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं मतलब क्या एक जैसी खसूसियात हैं दे बोथ आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स दोनों क्या हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ठीक है, है जानदार हैं सेकेंड है दे आर मेड अप ऑफ सेल्स दोनों के दोनों क्या हैं सेल्स के मिलकर बने होते हैं और थर्ड है दे मेक या यैच देयर ऑन फूड ये क्या करते हैं दोनों क्या करते हैं अपनी फूड को खुद करते हैं प्रिपेयर करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन है राइट वन करेक्टरिस्टिक एंड वन एग्जाम्पल ऑफ मोनेरा एंड प्रोटेस्टा मनेरा और प्रोटेस्टा क्या क्या करना है आपने एक करेक्टरिस्टिक भी बताना है और दोनों की एक एक एग्जाम्पल भी बतानी है मनेरा क्या है दीज ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन सेल्स ठीक है देवर स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल मुनेरा क्या करते हैं एक सेल के मिलकर बने हुए होते हैं और इनका स्ट्रक्चर क्या होता है बहुत ज़्यादा सिंपल होता है ठीक है अब इसकी एग्जाम्पल एक लिख लेते हैं बैक्टीरिया प्रोटेस्टा प्रोटेस्टा क्या है प्रोटेस्टा प्रोटेस्टा आर द ऑर्गेनिजम्स विच मोस्टली लिव इन वाटर प्रोटिस्टा ऐसे ऑर्गेनिज्म में जहाँ कहाँ रहते हैं वो पानी के अंदर रहते हैं और इसकी एग्जांपल हमारे पास है अमेबा क्वेश्चन नंबर थ्री है कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर वन सम एनिमल्स हैव इंटरनल स्केलेटन ऑफ द कार्टिलेज सच ए शार्क एंड स्टिंग रे दे फीड ऑन द अदर ऑन एनिमल्स बाई प्रोड्यूशन वट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द कार्टिलेज इन देअर लाइफ कुछ ऑर्गे एनिमल्स के अंदर क्या इंटरनल स्केलेटन होता है ठीक है जो किस चीज़ का बना हुआ था कार्टिलेज का बना हुआ होता है जैसा कि शार्क के अंदर और स्ट्रिंग रे के अंदर अब ये क्या करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर अटैक करते हैं शिकार करते हैं तो इस कार्टिलेज की क्या अहमियत है इनकी ज़िंदगी के अंदर कार्टिलेज इज़ यूज इन द मूवमेंट ऑफ शार्क एंड स्ट्रिंग रे एंड इट इज़ यूज टू मूव फास्टर थ्रू वाटर विदाउट यूटिलाइजिंग मोर एनर्जी कार्टिलेज क्या करते हैं के, के बहुत ही उनको शार्क और उनके अंदर स्टिंग रे के अंदर उनको हरकत देने में हेल्प करता है कार्टिलेज और ये क्या करता है कार्टिलेज की मदद से ये वाटर के अंदर बहुत तेज़ी से मूव कर सकते हैं एनर्जी को यूज़ किए बगैर तो ये इस तरह इनकी कार्टिलेज क्या है इनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है सेकेंड क्वेश्चन है वाई डू जेब्रास है ब्लैक एंड वाइट स्टेप्स जेबरा के अंदर वाइट और ब्लैक कलर की स्टेप्स क्यों प्रेजेंट होती हैं ब्लैक स्ट्रेप्स वुड एबजॉर्ब हीट इन द मॉर्निंग एंड वार्म अप जेबरास अब जब सुबह सुबह हो क्या होता है कि जो आपको पता है कि जो ब्लैक कलर होता है वो बहुत ज़्यादा सन को एब्ज़ॉर्ब करता है तो ये जो ब्लैक स्ट्रिप्स होती हैं ज़ेब्रास के अंदर वो क्या करती हैं बहुत ज़्यादा हीट को अब्ज़ॉर्ब करती हैं सन से ठीक है सुबह सुबह और उसकी ज़ेब्रा की बॉडी को क्या कर देती है वार्म अप कर देती है गर्म कर देती है वेयर एज़ वाइट स्ट्रिप्स रिफ्लेक्ट लाइट मोर एंड कुड दस हेल्प कूल जेब्रा अब जो वाइट स्टेप्स होती हैं वो क्या करती हैं लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं ठीक है थीके, और उसकी बॉडी को क्या रखती हैं ज़ेब्रा की कूल रखती हैं ठंडा रखती हैं थर्ड क्वेश्चन है वाई डू एलिफेंट्स हैव लार्ज ईयर्स अब एलिफेंट्स के जो कान होते हैं वो बहुत लंबे लंबे क्यों होते हैं एलिफेंट्स हैव लार्ज ईयर्स बिकॉज दे सर्व एज वन ऑफ द वेज एलिफेंट्स कूल दैम सेल्फ डाउन अब इसमें क्या होते हैं कि जो एलिफेंट्स के कान इसलिए बड़े होते हैं क्योंकि वो उनकी बॉडी को कूल करके रखती हैं ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा हीट कूल इनके ईयर्स के थ्रू जो है वहाँ से निकलती रहती है ठीक है तो फिर इनकी बॉडी क्या रहती है Uh, क्या रहती है कूल cool रहती है एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक